हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। 18 अक्टूबर 2019 की प्रीलिम्स अबेटर सीरीज में आपका स्वागत है। आज की इस डिस्कस में हम कल की यानी कि 17 अक्टूबर और आज की जो न्यूज है उन दोनों को हम यहाँ पे कवर है वो करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं, वो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। देखो, अभी रिसेंटली ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये जारी किया गया और इसमें इंडिया का जो स्कोर रहा है वो काफ़ी चिंताजनक रहा है, इसीलिए हम इसको डिस्कस वो यहाँ पे करेंगे। और वैसे भी ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भूखमरी है इसी को लेके इसमें इंडिकेशन है वो क्या गया है। तो पहले हम देख लेते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है क्या, कौन इसको जारी है वो करता है और कौन कौन से पैरामीटर्स हैं इसके आधार पर इसे जारी है वो किया जाता है। तो देखो, ये जो इंडेक्स है ये बेसिकली जारी किया जाता है, इरिस एड एजेंसी है कंसर्न वाइल्ड लाइफ वो, और इसके साथ ही एक जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वेल्ट हंगर हिलाइफ। तो इन दोनों के द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो जारी किया जाता है। इसमें बेसिकली स्कोर दिया जाता है 0 से लेके 100 के बीच में। 0 जिसको स्कोर मिल रहा है ना, देखो जिस भी कंट्री को, इसका मतलब ये है कि भाई वहाँ पे कोई भूखमरी नहीं है, और 100 जिसको स्कोर मिल रहा है जिस कंट्री को, इसका मतलब वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भूखमरी है, एक्सट्रीम लेवल पे है, इससे ज़्यादा भूखमरी और हो ही नहीं सकती। इंडिया का जो इसमें स्कोर है वो लगभग रहा है 30 पॉइंट समथिंग के समथिंग। तो ये आपको कुछ बेसिक फैक्ट यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इस बार ये ध्यान रखनी है कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया इस बार, इसमें बेसिकली जो क्लाइमेट चेंज और हंगर है इसके रिलेशन पे भी फोकस है वो किया गया है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है या आप बोल सकते हो क्वालिटी है, ये सारी चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, और वो भी कहीं ना कहीं भूखमरी है या हम बोले हंगर है, इसमें अपना एक बड़ा मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे निभाती हैं। इसी के साथ इस रिपोर्ट में यह भी एक्सप्लेन किया गया है कि जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होती है, एक्सट्रीम जो वेदर होता है, इसका इम्पैक्ट भी फूड प्रोडक्शन और फूड सिक्योरिटी पे पड़ता है। तो ये कुछ दो चीज़ें आपको ध्यान रखने की, क्लाइमेट चेंज को भी इस बार ग्लोबल हंगर इंडेक्स में एड्रेस है वो किया गया है कि इसकी वजह से भी भूखमरी है या हंगर है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में बढ़ती जा रही है। कि देखो, कई जगह फ्लड आ जाती है, कई जगह सूखा पड़ जाता है, तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पे फूड सेफ्टी है, फूड सिक्योरिटी है, उसको नुकसान भी तो होता है ना, और उससे भूखमरी है वो भी बढ़ेगी। तो इसीलिए क्लाइमेट चेंज का एक मेजर रोल है वो यहाँ पे सामने आ जाता है। अब देखो, जैसे इस में ये बताया गया था, मैंने आपको बताया कि 0 से 10 तक जो स्कोर है उसमें कहा जाता है कि लो हंगर, मतलब वहाँ पे एक तरीके से हंगर भूखमरी ना के बराबर है। अगर किस कंट्री को स्कोर 20 से 34.9 के समथिंग मिलता है, इसका मतलब वहाँ पे सीरियस हंगर के इश्यूज हैं। और इसके बाद में अगर किसी कंट्री को 35 से लेके 49.9 तक मिलता है स्कोर, इसका मतलब वहाँ पे कंडीशन है वो अलार्मिंग लेवल पे है। और इसके बाद अगर किसी को स्कोर 50 से ज़्यादा मिलता है, यानी कि 50 से लेके 100 के बीच में स्कोर मिल रहा है, इसका मतलब वहाँ पे एक्सट्रीमली अलार्मिंग की कंडीशन है, भूखमरी बहुत ही ज़्यादा लेवल पे है। इंडिया को जो स्कोर मिला है वो मिला है लगभग 30 के आसपास, यानी कि इंडिया है वो आता है सीरियस हंगर वाली लिस्ट में। अब हम ये देखते हैं कि ये जो इंडेक्स है ये बेसिकली 3 डायमेंशन को इंक्लूड करते हुए चलता है। एक डायमेंशन उसकी वो है इनसफिशियंट कैलोरी इंटेक, यानी कि जो कैलोरी ये खाना है वो इनसफिशियंट मात्रा में लिया जा रहा है। दूसरी डायमेंशन इसकी ये हो जाती है कि चाइल्ड जो बच्चा है वो अंडर न्यूट्रिशमेंट, यानी कि बच्चे को खाना प्रॉपर नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशंस वगैरह टाइम पे नहीं मिल रहे हैं, न्यूट्रिशंस काफ़ी कम मिल रहे हैं। इसके साथ ही एक पॉइंट यहाँ पे हो गया चाइल्ड मोर्टेलिटी। चाइल्ड मोर्टेलिटी का मतलब ये हो गया कि बच्चा 5 साल की एज अचीव करने से पहले ही डेथ है उसको अचीव हो रहा है। तो बेसिकली इन पैरामीटर्स के आधार पे ये जो डायमेंशंस हैं इनको यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। और वैसे अगर हम बात करें तो 4 कंपोनेंट हो जाते हैं इसके। कौन कौन से हैं वो 4 कंपोनेंट वो हम देखते हैं। एक तो हो गया अंडर न्यूरिशमेंट, इसके बाद में होगा एक चाइल्ड वेस्टिंग, एक होगा चाइल्ड स्टंटिंग, एक होगा चाइल्ड मोर्टेलिटी। देखो, अंडर नरिशमेंट का मतलब तो सीधी सी बात ही हो गया कि बच्चे को जो खाना है वो इनसफिशियंट मिल रहा है, मतलब जितनी उसकी कैलोरी की जरूरत है। जैसे एक बच्चे को दिन में 2000 कैलोरी मिलनी चाहिए और बच्चे को मिल रही है लगभग 1000-1500 तक, तो वो हो जाएगा अंडर नरिशमेंट। चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब सीधा सी हो गया, चाइल्ड वेस्टिंग, स्टंटिंग और मोर्टेलिटी है, ये ध्यान रखना तीनों ही 5 साल तक के बच्चों के पैरामीटर के आधार पर जारी की जाती है। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब ये है कि लो वेट फॉर हाइट, यानी कि बच्चे का जो वेट है ना वो उसकी हाइट के मुताबिक कम है, वो ये शो करता है चाइल्ड वेस्टिंग। इसके बाद में आता है चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब ये होता है कि बच्चे की जो हाइट है ना वो उसकी एज के मुताबिक कम है। जैसे मान लो बच्चे की एज हो गई है यहाँ पे 5 साल और जो उसकी हाइट हो जानी चाहिए लगभग 3 फीट के आसपास, बट अभी बच्चे की हाइट है वो लगभग 1.5-2 फीट ही है, तो वो आ जाएगा चाइल्ड स्टंटिंग में। इसके बाद में हम बात करें चाइल्ड मोर्टेलिटी। चाइल्ड मोर्टेलिटी का मतलब ये हो गया कि वो बच्चे जो 5 साल तक की एज करने से पहले ही मतलब डेथ हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो आ गई चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट।
तो ये सारे पैरामीटर्स हैं, या बोलते तो कि चार आपको यहाँ पे दिख रहे पैरामीटर, इन पैरामीटर के आधार पर यह इंडेक्स है वो जारी किया जाता है। अब हम आगे और देखते हैं कि क्या क्या है। देखो वर्ल्ड में लगभग 117 कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट है वो किया है, और उसमें 43 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि सीरियस लेवल पे हंगर को शो करती हैं। इनकी ऑल ओवर वर्ल्ड में देखें तो भूखमरी की प्रॉब्लम काफी चिंताजनक सामने आ रही है। अब देखो हमने इतना देख लिया, इंडिया की रैंकिंग क्या है। इंडिया को 117 कंट्री में से 102वीं रैंक मिली है, मतलब इंडिया की रैंकिंग काफी खराब रही है, और पिछले प्रीवियस सालों के मुताबिक हम देखें तो हालात ज्यादा खराब इस बार देखने को मिले हैं। अगर हम बात करें वर्ल्ड की अदर कंट्रीज की, जैसे कि नॉर्थ कोरिया, तो नॉर्थ कोरिया का स्कोर हुआ है 30.3। इसके साथ ही बात करें, सॉरी, इंडिया का स्कोर हुआ है 30.3, और नॉर्थ कोरिया, नाइजर, कैमरून, जो कि काफी आप बोल सकते हो गरीब कंट्रीज हैं, वहां पे हालात ज्यादा खराब हैं, उनकी रैंकिंग भी इंडिया से अच्छी रही है। और अगर हम कंपेयर करें हमारे पड़ोसी देशों से, तो श्रीलंका की रैंकिंग रही है 66, नेपाल की रैंकिंग रही है 73, पाकिस्तान की रही है 94, और बांग्लादेश की रही है 88। तो ये हमें शो करता है कि इंडिया में हंगर की प्रॉब्लम है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब देखो कुछ जो रिसर्चर्स हैं उनका ये भी कहना है कि ये जो इंडेक्स जारी किया जाता है ये एक्चुअली बायस्ड है वेस्ट कंट्रीज के पीछे, तो इसलिए इंडिया को इसमें जानबूझ के रैंकिंग कम दी जाती है वगैरह वगैरह। बट जो रियल डाटा था इसका वो हमने यहाँ पे शेयर डिस्कस वो कर लिया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कुर्दिस्तान के बारे में। देखो जो कुर्द कम्युनिटी है वो एक अपने देश की डिमांड कर रही है काफी लंबे टाइम से, जिसका नाम है कुर्दिस्तान। और जो कुर्द कम्युनिटी है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट एक ऐसी कम्युनिटी है जिसके पास कोई भी अपना एक स्टेट है वो नहीं है, मतलब लगभग इनकी संख्या है वो 25 से 30 मिलियन के आसपास है, और इनके पास अपना कोई भी देश वगैरह नहीं है। ये लगातार संघर्ष है वो कर रहे हैं। और मेजर जो कुर्द कम्युनिटी है वो सुन्नी मुस्लिम है, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी यूपीएससी की बार एक्सट्रीम स्टेटमेंट देके भी पूछ सकती है कि जो कुर्द कम्युनिटी है वो सिया मुस्लिम है वगैरह ऐसे, तो ध्यान रखना कि इसमें मैक्सिमम जो लोग हैं कुर्द कम्युनिटी के वो बेसिकली सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग है, वो यहाँ पे कर रहे हैं या सुन्नी समुदाय से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब कुछ सिया भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अब आपके दिमाग में आएगी कि भाई जो कुर्द कम्युनिटी वो रह कहाँ रही है, तो देखो जो कुर्द कम्युनिटी है वो एक तो रहती है साउथर्न एंड ईस्टर्न टर्की में, इसके साथ रहती है नॉर्थर्न इराक में, इसके साथ रहती है नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया में, इसके साथ रहती है नॉर्थ वेस्टर्न ईरान, और कुछ अर्मेनिया है वहाँ पे साउथ पार्टों में, इसी के साथ ही छोटी मोटी और जैसे जॉर्जिया हो गया, यहाँ पे जॉर्जिया हो गया, लेबनान हो गया, ईस्टर्न ईरान हो गया, कजाकिस्तान वाले छोटे मोटे एरिया में भी रहती हैं। बट जो बेसिकली कुर्दिस्तान देश की मांग की जा रही है यह 5 देशों को इफेक्ट कर सकती है। एक तो कर सकती है साउथ ईस्ट टर्की, एक करेगी नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया, एक नॉर्दर्न इराक, एक नॉर्थ वेस्टर्न ईरान, और इसी के साथ ही ये करेगी साउथ वेस्टर्न अर्मेनिया। तो बेसिकली ये 5 देशों को मिला के या 5 देशों के छोटे छोटे रीजन्स को मिला के कुर्दिस्तान की मांग है वो की जा रही है। देखो ऐसा माना जाता है कि जो कुर्द कम्युनिटी के लोग हैं वो काफ़ी लड़ाकू, काफ़ी बहादुर हैं वो होते हैं, और इनका पहले भी हम बात करें तो मतलब हिस्ट्री में लड़ाकू के एरिया में काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है वो रहा है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि कुर्दिस्तान की मांग कहाँ पे की जा रही है। ये देखो वेस्ट एशिया का मैप है, यहाँ पे टर्की है, यहाँ पे अर्मेनिया हो गया, यहाँ पे ईरान हो गया, ये सीरिया हो गया, ये यहाँ पे इराक हो गया है। तो बेसिकली इनके द्वारा मांग है यहाँ पे की जा रही है, ये वाला आपको रीजन दिख रहा है कुर्दिस्तान की। तो देखो कुर्दिस्तान में जो मैक्सिमम हिस्सा है वो आपको दिख रहा है टर्की का आने वाला, लगभग इतना इतना हिस्सा आप देख सकते हो टर्की का आ रहा है, इसीलिए टर्की है वो लगातार इन पे कुर्दिस्तान की मांग करने वाले लोगों पे लगातार वार है, लड़ाई है वो कर रहा है। कर अभी तो वहाँ पे मतलब पीस एग्रीमेंट सेट करने की बात है वो की जा रही है। सीरिया का भी कुछ हिस्सा यहाँ पे आ रहा है, इराक का भी कुछ हिस्सा आप देख सकते हो, ईरान का भी कुछ हिस्सा है, थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे अर्मेनिया का भी है। तो इस सब सारे रीजन को मिला के वो कुर्दिस्तान एक देश की मांग है वो लगातार यहाँ पे कर रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना है कौन कौन सी कंट्री का यहाँ पे बॉर्डर वगैरह टच है वो किया जा रहा है, क्योंकि यूपीएससी मेनली वेस्ट एशिया वाले एरिया काफ़ी सेंसिटिव रहते हैं, तो यहाँ पे लगातार हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन है वो दहे भाई पूछती रहती है। चलो आप एक छोटा सा क्वेश्चन ये बताओ कि क्वेश्चन ये है आपके सामने कि सीरिया है वो एक लैंडलॉक कंट्री है या नहीं है। छोटा सा क्वेश्चन है, आप आराम से इसको अटेम्प्ट वो कर सकते हो। अब देखो बात ये है कि टर्की इस पे अटैक क्यों कर रहा है। तो जैसा आपने मैप में देखो यहाँ देखा था कि टर्की का जो बहुत सारा एरिया है ना, एक तो कुर्दिस्तान में मर्ज है वो हो जाएगा, और तो टर्की ये बिल्कुल नहीं जाता। इसके साथ ही एक बात यह है कि टर्की बिल्कुल भी इस चीज़ के अगेंस्ट है कि भाई यहाँ पे एक अलग देश है वो बनाया जा सके, क्योंकि वो उसकी सोवरेनिटी के खिलाफ हो सकता है, इसीलिए टर्की यहाँ पे लगातार अटैक है वो कर रहा है इस एरिया में।
नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है वन नेशन वन फास्टैग स्कीम के बारे में। तो देखो पहले तो हम देख लेते हैं कि फास्टैग है क्या। देखो गाड़ियों के ऊपर आपने देखा होगा कि आगे की जो स्क्रीन होती है, इस स्क्रीन पे एक छोटा सा टैग है, एक वो लगा हुआ होता है जो कि बेसिकली फास्टैग के नाम से जाना जाता है। ये फास्टैग क्या करता है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन सेव होती है गाड़ी की, कि गाड़ी का नंबर क्या है, गाड़ी कौन सी है, कौन सी कॉमर्शियल व्हीकल है, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें बेसिकली सेव है, वो यहाँ पे रहती हैं। अब जो ही हम टोल प्लाजा पे जाते हैं तो पहले तो हमें क्या करना होता है आजकल कि मैनुअली हमें जाके यहाँ पे गाड़ी रोकनी होती है, पेमेंट करना होता है, इसके बाद में स्लिप लेके आगे जाते हैं। बट ये जो फास्टैग अगर एक्टिव होता है तो उस दौरान ये होता है कि जो गाड़ी यहाँ पे लगे होते हैं रिसीवर्स टैग को जो रीड करते हैं, ये क्या करते हैं गाड़ी का जो फास्टैग है इसको रीड कर लेते हैं चलती हुई गाड़ी की, और फिर वहाँ से ऑटोमेटिकली पेमेंट कर जाते हैं और जो ट्रैफिक गेट है वो ऑटोमेटिकली खुल जाता है। मतलब ये जो सारी प्रोसीजर थी आपको मैनुअली पेमेंट करना, छुट्टे वुट्टे की प्रॉब्लम, काफ़ी देर यहाँ रुकना, ये सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही चुटकियों में हो जाता है। इसके लिए फास्टैग को गवर्नमेंट प्रमोट भी कर रही है। तो अभी देखो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि भाई 1 दिसंबर 2019 के बाद हर गाड़ियों में मैंडेटरी हो जाएगा कि फास्टैग होना चाहिए, वो भी एक्टिव फॉर्म में। अगर फास्टैग नहीं है तो उनको फिर चालान वगैरह पे कुछ इश्यूज हैं वो कभी क्रिएट किए जा सकते हैं। तो उसी को लेके अभी न्यूज़ है वो आई है। तो हमें ध्यान रखना है कि फास्टैग किस बेसिस पे काम करता है, एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, और ये ध्यान रखना है कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी कौन सी है, इम्पोर्टेंट बात ये है, क्योंकि इसमें जो रेडियो वेव्स हैं इनका यूज है वो किया जाता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। यूपीएससी पूछ सकते हैं कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, एनएफसी का यूज हो रहा है, वाईफाई का यूज हो रहा है वगैरह, तो नहीं भाई रेडियो सिस्टम फ्रिक्वेंसीज का यूज करके वायरलेस पेमेंट हो यहाँ पे किया जाता है। अभी न्यूज़ जैसा मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगी 1 दिसंबर 2019 से, और प्रावधान ये किया गया है कि जो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जिसे हम RFID के नाम जानते हैं, वो हर स्टेट हाईवे पे जो कार वगैरह हैं उनके लिए मैंडेटरी हो जाएगा, और उसमें वो अपना पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। यानी कि जो टोल सिस्टम है इसको डिजिटल करने के लिए, मोबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हमारे देश में ये सिस्टम है वो लाया जा रहा है। अब ये ध्यान रखना है कि वैसे जो सारा सिस्टम है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रोग्राम के द्वारा, और इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे जो पेमेंट मेथड्स हैं सारे वो बेसिकली किए जाएंगे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो NPCI है वो सारे पेमेंट्स वगैरह को रेगुलेट करेगी, पेमेंट को कलेक्ट करना, सर ट्रांसफर करना, ये सारा काम इसके द्वारा किया जाएगा। तो ये थी आज की हमारी न्यूज़। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पे वो है पानी बचाओ पैसा कमाओ स्कीम के बारे में। देखो ये स्कीम वैसे 2017 के टाइम पे लॉन्च हो की गई थी पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा, बट इसमें कुछ खास रिजल्ट देखने को मिला नहीं था। बट अभी न्यूज़ में इसलिए आई है क्योंकि इस बार जो इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था अभिजीत बैनर्जी और उनकी वाइफ डुफ्लो को, और इसी के साथ ही एक पर्सन और थे जिनका नाम था माइकल क्रेमर, इन तीनों को जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था इन्हीं के द्वारा ये स्कीम है वो इंट्रोड्यूस है वो की गई थी इंडिया में पंजाब रीजन में। तो इसीलिए भी उनको नोबेल प्राइज़ मिला, तो वापस ये स्कीम न्यूज़ में आ गई है। इस स्कीम का कॉन्सेप्ट ये था कि किसानों को एक तरीके से इंकरेज किया जाएगा कि भाई आप है वो जो ग्राउंड वाटर है इसको कम से कम यूज़ करो, मतलब कि ग्राउंड वाटर है इसको ज़्यादा यूज़ ना करें, एक्सप्लोर ना करें, इसके लिए स्कीम है वो लाई गई थी। और बदले में उनको कुछ इंसेंटिव है वो दिया जाएगा, यानी कि कुछ पैसे वगैरह उनको दिए जाएंगे ताकि वो पानी को वेस्ट वगैरह ना करें, कम पानी है वो ग्राउंड से निकालें। बट इसका कोई देखो रिजल्ट इतना देखने को मिला नहीं था, ये हमें बस इतना फैक्ट ध्यान रखना है कि भैया स्कीम कब लॉन्च की गई थी, और वैसे ये स्कीम लॉन्च की गई थी पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है प्रोजेक्ट बी हाइव के बारे में। देखो प्रोजेक्ट बी हाइव है ना, ये ध्यान रखना है कि इंडियन आर्मी के कोलेबरेशन है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। अब हम देखते हैं कि क्या इसमें प्रोजेक्ट बी हमें होने वाला है। देखो आपको पता है कि हमारी जो आर्मी है इसके पास काफ़ी सारे टैंक्स होते हैं, काफ़ी सारी मिसाइल्स भी हैं, और भी तरह के वेपन्स वगैरह हैं, और हम बात करें तो इनके साथ काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं जैसे कितने टैंक हैं वो मेंटेनेंस में काम कर रहे हैं, कितने व्हीकल्स खराब हैं, कितने कहाँ डिप्लॉय वगैरह करने हैं। तो अभी तक हमारे देश में कोई एक सेंट्रल सिस्टम नहीं था कि हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पे रहे कि भाई इतने टैंक तो अभी एक्टिव फॉर्म है, इतने टैंक यहाँ पे हैं, इतनी मिसाइलें यहाँ पे स्थापित की गई हैं, इतनी जो तोप बोफर्स वगैरह हैं कहाँ कहाँ वो हैं, कितने का मेंटेनेंस चल रहा है। तो इन सब का एक ऑटोमेशन सिस्टम डेवलप करने के लिए प्रोजेक्ट बी हाइव है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ किया जा रहा है। इसमें क्या होगा, आर्मी की जो क्रॉप्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली मेथड से सारे जो प्रोजेक्ट वगैरह हैं अपने
ऑटोमेशन से रिलेटेड, और भी जो रियल टाइम मॉनिटरिंग है प्रोजेक्ट की, कहाँ वर्कशॉप में काम हो रहा है, कितने टैंक्स वगैरह मतलब सर्विस पे चल रहे हैं, कितना टाइम और लगेगा, कहाँ कितने डिप्लॉय करने, सारा सिस्टम ऑनलाइन है वो यहाँ पे हो जाएगा। तो यह है प्रोजेक्ट बी हाइव। नेक्स्ट जो आर्टिकल यहाँ पे हुआ है फूड सेफ्टी मित्रा स्कीम के बारे में। देखो न्यूज़ ये आई थी कि फूड सेफ्टी मित्रा जो स्कीम है वो बेसिकली ईट राइट जो मूवमेंट था इंडिया में उसके तहत इस लॉन्च वो की गई है, ताकि ईट राइट इंडिया मूवमेंट को स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो दी जा सके। तो पहले तो देखते हैं कि जो ये फूड सेफ्टी मित्रा है ये स्कीम है क्या। देखो इस स्कीम का कॉन्सेप्ट ये है कि FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो क्या करेगी, कुछ लोगों को सिलेक्ट है, आइडेंटिफाई है वो करेगी, उनका नाम दिया जाएगा फूड सेफ्टी मित्रा। फिर इन लोगों को क्या है, ट्रेनिंग दी जाएगी कि भाई किस तरीके से वो फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स होते हैं, कैसे कैसे उनका ध्यान रखना है, किस तरीके से फूड को प्रिपेयर करना है, ये मतलब फूड सेफ्टी रिलेटेड उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी। इसके बाद में जो फूड बिजनेसेस ग्रुप है ना, इनको बोला जाएगा या अब इनको इन्वाइट किया जाएगा कि भाई आप जो फूड सेफ्टी मित्राज हैं इनके थ्रू अपनी क्वालिटी को इंश्योर कर सकते हो। तो जो मित्राज हैं फूड सेफ्टी मित्रा, वो फूड बिजनेस कंपनीज के साथ काम वगैरह करेंगे, और वहाँ के जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, फूड सेफ्टी के जो गाइडलाइंस हैं, इन सब वो रेगुलेट हैं, मॉनिटर वहाँ पे करेंगे। तो इस तरीके का एक प्रोजेक्ट है वो लॉन्च है वो किया जा रहा है। इससे फायदा यह होगा कि जो फूड सेफ्टी सिस्टम है इसका लाइसेंस हो, रजिस्ट्रेशन हो, हाइजीन का सिस्टम हो, रेटिंग हो, किस तरीके से ट्रेनिंग देनी है वहाँ पे और वर्कर्स को, ये सारे काम किए जाएंगे। मतलब पहले तो FSSAI ट्रेनिंग दे देगी, इसके बाद में एक एक दो दो पर्सन अलग अलग कंपनियों में चले जाएंगे और वहाँ और ज़्यादा लोगों को ट्रेंड है वो करेंगे। तो उनको नाम दिया गया है फूड सेफ्टी मित्राज। इससे फायदा क्या होगा, देखो इससे हमारे देश में तो जो हंगर की प्रॉब्लम है उसमें भी काफ़ी में देखने को निजात मिलेगी, इसी के साथ ही फूड सेफ्टी को हम स्ट्रेंथ तो करेंगे करेंगे, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, और जो यंग जनरेशन है हमारी वो खाने के जो न्यूट्रिशंस वगैरह हैं, फूड है, इसके बैकग्राउंड को भी अच्छे से स्टडी है वो करेगी। जैसा मैंने आपको बताया था कि फूड सेफ्टी मित्रा है वो गवर्नमेंट चूज करेगी FSSAI के द्वारा, इसके बाद में फूड बिजनेसेस ग्रुप्स हैं वो सर्विस के लिए उनको पैसा देंगे और वो अपना काम है वो करेंगे। अब हम देखते हैं कि ईट राइट मूवमेंट क्या है। देखो ईट राइट जो मूवमेंट है वो FSSAI का एक प्रोजेक्ट है। इसमें ये फोकस किया जा रहा था कि भाई हम आगे आने वाले जो 3 साल हैं इसमें सॉल्ट और शुगर और जो ऑयल, यहाँ पे मतलब दो चीज़ें हैं, साल्ट या शुगर या फिर ऑयल, इनकी जो कंजप्शन है उसको लगभग 30% तक कम कर देंगे, क्योंकि जो सॉल्ट शुगर और जो ऑयल की कंजप्शन है वो हमारी हेल्थ के लिए ज़्यादा नुकसानदायक होती है। तो गवर्नमेंट ये चाह रही है कि हमारे देश में जो माल न्यूट्रिशन की या मोटापे की जो प्रॉब्लम है इसको अगर काउंटर करना है तो जो ऑयल वगैरह जो कंजप्शन है इसको हमें कम करना होगा। इसके साथ ही जो रीयूजेबल ऑयल होता है इसकी भी हमें जाँच करनी है टाइम टू टाइम, इस पैरामीटर्स को हमें ध्यान में यहाँ पे रखना है, और इसमें जो पब्लिक का पार्टिसिपेशन है वो भी काफ़ी अहम हो जाता है ताकि एक हेल्दी लाइफ लोग वो जी सकें। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू मच फॉर डिस्कशन।